अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। चलें जी, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। संडे, आज इतवार का दिन है। जी हाँ, संडे का दिन है और आज हम बना रहे हैं सरसों के ऑयल में अपना नाश्ता। आज जो है फर्स्ट डे है और मैंने आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कहा था, पिछली वीडियो में, कि जब मैं नेक्स्ट ग्रोसरी करूँगी मंथ की, तो मैं सरसों का ऑयल लेकर आऊँगी। उसमें हम बनाया करेंगे भुजिया सालन। तो इस दफ़ा वैसे भी विंटर है, विंटर में बहुत सारी सब्जियां आती हैं, वो सारी सरसों के ऑयल में बनेंगी। फ़िश भी इसी में फ्राई होगी। जी हाँ, यहाँ बेटी ने सरसों के ऑयल में जो आमलेट बनाया है वो मैं टेस्ट करती हूँ कैसा है, फिर उसका रिव्यू देती हूँ आप लोगों से। और ये सेम डालडा के प्राइस से है, में है, जैसे डालडा आपको मिलता है वैसे ही ये है जिसका प्राइस है। और ज़बरदस्त टेस्ट है, हेल्दी फूड है, ऑयल है। ज़रूर अपने घरों में लेकर आएँ, इसे बच्चों को खाने बना के खिलाएँ और अपने बच्चों को रखें हेल्दी। तो यहाँ पे सरसों का ऑयल से आज हमारे घर में खाना बना करेगा और इन्जॉय करेंगे। नाश्ता हम लोग कर रहे थे, नाश्ता करते करते हम लोगों ने प्लान बना लिया था कि हम लोगों ने आज जाना है मार्केट, क्योंकि इतवार का दिन है और यही एक छुट्टी का दिन होता है, सॉरी, कि जिसमें इंसान 100 काम अपने अंदर बाहर की कर लेता है, शॉपिंग करनी है, कुछ भी करना हो, तो वो हमने नाश्ते के बाद किया। इसके बाद जी हम लोग पहले जो है ना क्रीम मार्केट गए, फिर अब यमून मार्केट आ गए। क्रीम मार्केट में भी बच्चों ने कुछ लेना था, तो फिर के हम लोग जो है ना इतना थक गए कि मून मार्केट आए, तो यहाँ भी थोड़ी शॉप्स में हम फिरे, तो उसके बाद अब यहाँ बैठ गए हम लोग कि कुछ ना कुछ खाएं। समझ कुछ नहीं आ रही थी, ज़्यादातर यहाँ बैठ के हमने बन्नू बीफ पुलाव खाया है, लेकिन अब मिलता तो वो भी है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने नान चने और नान नहारी मंगवाई थी, क्योंकि नाश्ता हमने करना, नान खाने को दिल कर रहा था मेरा। और ये जो 500 मेरे हाथ में आपको नज़र आ रहे हैं, ये मैं अपनी सिम खरीदूंगी जो कि गुम हो गई है, और 3 मंथ बाद वैसे भी सुना है कि मिलती नहीं है। अब दुआ करें कि मेरी सिम मुझे मिल जाए। और यहाँ पे हम ऑर्डर के बाद जो है ना, मैं वैसे ही बैठ जाती हूँ वीडियो बनाने, तो वो मैं बना रही थी और बच्चियाँ सामने बैठी हुई थी, और ऑर्डर जो है वो आने में थोड़ा वेट था, टाइम था, वेट कर रहे थे हम लोग, तो उतनी देर में मैंने सोचा चलो मैं जो हूँ ना यहाँ पे वीडियो बना लेती हूँ, अपने व्यूवर्स के साथ कुछ ना कुछ शेयर करती रहूँ जो जो लाइफ में होता है। डेली रूटीन का मतलब यही होता है ना, ज़रूरी तो नहीं कि घर के ही काम डेली रूटीन में किए जाएं। तो यहाँ पे जो है ना हम लोग बाहर भी निकलते हैं, कभी घूमते फिरते भी हैं, बाहर भी खाना खाते हैं। तो ये दो आ गई है यहाँ पर, जबकि चने की एक प्लेट हमने मंगवाई है, चने की एक प्लेट हमने मंगवाई थी नहारी की, तो हमने एक वापस करवाई और नहारी मंगवाई है। अब हम लोग बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके खाना खाएंगे, क्योंकि हम लोगों को लगी है बहुत ज़ोरों की भूख। और जो 3 नान मंगवाए थे, 2 नान आए, तो तीसरा नान हमारा अभी आ रहा है, वो भी हमने एक उनसे शिकायत की कि भाई आप लोगों ने 2 नान भेजे, तीसरा नान किधर है भाई। तो 3 नान की जगह हम लोगों को यहाँ पर इतनी भूख लगी थी ना, क्योंकि हम लोग जितना क्रीम मार्केट में फिरे हैं ना, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। फिर जो हम टूट पड़े खाने पे, हमें नहीं पता चला कि हमने 4 नान डाले तो डाले किधर हैं। वैसे अगर आप एक प्लेट में खा रहे हो ना, तो बड़ा मतलब खाया जाता है, लेकिन अमूमन तो वो कहते हैं कि आप अलग अलग अपनी अपनी प्लेट में खाएं, तो आपको पता चलता है कि आप कितना खा रहे हैं। उसके बाद ना वहीं पे कॉल आ गई थी भाई की, तो हम लोग भाई के घर आ गए थे। ये 6 बजे, शाम 6 बजे का टाइम है, और यहाँ इन लोगों ने खाना बनाया हुआ था, और ये प्लानिंग जो थी ना हमारी पहले से थी, लेकिन हमें भूला हुआ था। भाई ने कॉल करके हमें याद दिलाया कि भाई तुम लोगों ने आना है आज, तो किधर गए हो तुम लोग। हमने कहा बस हम लोग पहुँच रहे हैं 2-3 घंटे तक, तो ये लोग बेचारे वेट कर रहे थे हमारा के खाना आप लोगों के साथ खाएंगे। तो खैर हम लोग तो खा कर आए हुए थे, बच्चे खा रहे थे, बच्चे टेस्ट कर रहे थे, मैंने नहीं टेस्ट किया, क्योंकि जब मैं एक दफ़ा खा लूँ ना, फिर मैं दोबारा नहीं खाती। हाँ, मैंने फ्रूट चाट खाई है यहाँ पे, क्योंकि मुझे फ्रूट चाट बहुत पसंद है, और वैसे भी खाने के बाद फ्रूट चाट तो खा ही सकते हैं ना, खाना आपने एक दफ़ा खा लिया ना, आप दोबारा नहीं खा सकते। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दोबारा खा लेते हैं, लेकिन ये देखें जी, मेरी सिस्टर ने मुझे फ्रूट चाट डाल के दिए। मेरी सिस्टर अपनी फैमिली के साथ आई हुई थी, मैं भी अपनी फैमिली के साथ भाई के घर चली गई हूँ, तो यहाँ पे हम 3 फैमिलियाँ जो मिलके खाना वाना खा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। ये मेरे छोटे भाई हैं जो कि अभी नाश्ता कर रहे हैं, मतलब इनका नाश्ता ही है चाय पराठा, और ये 6 बजे कर रहे हैं जी, और ये बहुत ज़्यादा इनका फेवरेट नाश्ता है, बचपन से ही चाय पराठा बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। उसके बाद ये सब लोग मेहंदियाँ लगा रहे थे यहाँ पर बच्चियाँ, और हम जो बड़े हैं वो चाय का वेट कर रहे थे, मतलब अभी चाय हमारी बन रही थी और मैं भी यहाँ वेट कर रही थी चाय का, कि चाय बन जाए तो फिर हम अपने घर को जाएं। तो उतनी देर में बच्चियाँ जो थी वो एक दूसरे को मेहंदी लगा रही थी, वो भी अभी सीन आपसे शेयर किया जाएगा।
और साथ साथ आपसे बातें भी की जाएंगी। तो बेटा, ये भाई का बेटा मुझे कह रहा था पी लें फूफो आप। मैंने कहा बेटा मैं तो ये नहीं पीती, और वैसे भी ठंडा है तो मेरा गला ख़राब हो जाएगा। तो आगे गले बड़े दुख रहे हैं क्योंकि एकदम मौसम चेंज हो रहा है ना, तो फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम और गले दुखना, ये सब कुछ लगा हुआ है साथ साथ। तो मैंने उनसे कहा आप पियो, शुक्रिया। तो यहाँ पे मेहंदियाँ लग रही थी, मैंने कहा चलो ये देखें अभी लगाइए, बच्ची ने कितना प्यारा कलर चढ़ा है, सबके हाथों पे बहुत अच्छा, बहुत थोड़े टाइम के लिए लगाई है, कलर बहुत अच्छा चढ़ गया। तो मैंने कहा चलो ये भी आपसे शेयर करती हूँ। और इसके बाद हमारी चाय आ गई थी, तो मैंने चाय जो थी काफ़ी गर्म थी, थोड़ी ठंडी करने रखी, तो बुलाई आ गई। अच्छा जी, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? सारे चाय पी रहे हैं, हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। अगर तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, लाइक, कमेंट्स, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।